है माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक इन माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स एज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे रिलेटेड दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, फीचर्स और डेफिनेशन, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस मीन्स उसकी विशेषताएं, उसका यूज, तो हम ये सब रीड करने वाले हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे चैनल के सारे अपडेट्स आपको तुरंत पता चलती रहे और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस में रीड करने वाले और समझने वाले हैं, ये हर एक पॉइंट्स हमने फीचर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आप अगर फीचर वाली वीडियो भी देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो स्टूडेंट्स, एडवांस स्टडीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, differences in standard of living of the peoples. It suggests important steps to achieve economic development and to improve these difficulties and inequalities of our country. Then our next point is students, function of an economy. Function of an इकोनॉमिक। इन दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, फंक्शन इट सेज दैट कि इकोनॉमिक का फंक्शन क्या होता है, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। लीड्स टू से द फंक्शंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एग्रीगेटिव फंक्शन, एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन ए लार्ज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। देन आवर थर्ड इंपॉर्टेंस इज स्टूडेंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द फ्लक्चुएशन इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एटसेट्रा एंड मेक्स द अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन स्टूडेंट्स, इट्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉसेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इनकम, employment, output, demand, supply, etc. and it helps to control them. Then our next importance of microeconomic is national income. Students, microeconomic studies the national income of the country. National income shows the overall income and average income of the country's people in the economics. So our next importance is national income. National income. Then our next importance of microeconomics is performance of an economy. Microeconomic help us to understand the performance of an economic. People's income shows the economic situation as compared to previous time to this time. Then our नेक्स्ट, अच्छा हमने यहाँ पे लिखा है ना, राइट डाउन कर लेते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। स्टूडेंट, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटपुट, नेशनल इनकम, इन सब का स्टडी करता है, लाइक जनरल प्राइस लेवल। इट शोस the and these variables are helps to overcome from the inequalities and it helps to development of the economic and growth of the economic. So study of microeconomic variables.
स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो स्टूडेंट्स, वी नो माइक्रो इकोनॉमिक इज स्टडीड द टोटल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज एग्रीगेट टोटल। सो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट शोज इन द माइक्रो इम्पॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। देयर आर माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। अंडरस्टूड? सो हियर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द हेल्प ऑफ एनालाइजेस ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट गिव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमिक वेयर गुड्स एंड सर्विसेस आर प्रोड्यूस। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल के न्यू अपडेट्स आपको इंस्टेंटली गेन होती रहें। थैंक यू।